वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारे अपडेट होने वाली है टाटा स्टील JT माइनिंग की कट ऑफ से रिलेटेड। कट ऑफ को डिक्लेयर करने से पहले या डिस्कशन करने से पहले हम देखेंगे कि माइनिंग इंजीनियरिंग के कैसी जो है मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर आए थे, मॉडरेट थे कि ईजी थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे साथ माइनिंग में व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, जिनके थ्रू मैंने कुछ मालूम करने की कोशिश करी कि क्वेश्चंस का क्या लेवल था। और एक पोल भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज आईक्यू पे करवाया ताकि एक आइडिया लगे कि माइनिंग के स्टूडेंट ने क्या पेपर में कितना अटैम्प्ट करा, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक आइडिया लग पाए कि माइनिंग की कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसका कोई दावा नहीं है कि वो माइनिंग की कट ऑफ बिल्कुल सेम जाएगी, लेकिन फिर एक भी एक जो स्टूडेंट के अंदर था कि आप एक वीडियो बना दीजिए माइनिंग के बारे में बता दीजिए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ और स्टूडेंट को बता देता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग माइनिंग की वीडियो तैयार की गई है, जिसमें जो है आप समझ सकते हैं पूरा एक दिन का पोल मैंने पूरा एक दिन का टाइम दिया था कि पोल में भी आराम से करें कि जल्दी नहीं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट से पर्सनल कॉन्टैक्ट करके भी मैंने बात की। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कट ऑफ 2022 की बात करेंगे तो सबसे पहले पेपर का देखेंगे तो डोमेन 80 और सेक्शन 2 IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स 20, यानी टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर था। तो इस तरीके से रख सकते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर है। डोमेन जैसे कि आपका माइनिंग है तो आपका डोमेन कहलाएगा, IoT जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ा रखा है। डोमेन के अंदर आपके अभी देखेंगे तो डोमेन में देखेंगे आपके सेम ज़्यादातर ब्रांचेस के अंदर देखने को मिल रहा है कि डोमेन के 20-25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक आए हैं, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट आप सीधे उसके आंसर आप करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर ब्रांच के अंदर 40 क्वेश्चन मॉडरेट आए हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारी ब्रांचेस की बना चुका हूं तो उसमें आप देखेंगे तो 40 मॉडरेट हैं और 20 क्वेश्चन जो है हार्ड आए हैं, जिसमें स्टूडेंट के थोड़ा सा कह सकते हैं टाइम टेकन कह सकते हैं, उनमें स्टूडेंट को दिक्कत आई है। न्यूमेरिकल भी काफ़ी पेपर में आए हैं बाकी ब्रांचेस में, और माइनिंग में भी कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो पेपर हम मैं कह सकता हूँ इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर मान सकते हैं। तो बेसिकली पेपर मॉडरेट लेवल का मानूंगा कि पेपर जो मॉडरेट था। अब यहाँ पर अगर देखेंगे IoT का तो IoT का ज़्यादा टफ नहीं था, बेसिक 20 क्वेश्चन थे। जिन्होंने भी मेरी वीडियोस को IoT की ढंग से देखा होगा, साथ साथ जो मैंने PDF प्रोवाइड करी थी उन्हें अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10 से 15 मार्क्स वो आसानी से 20 में से ला सकते हैं, अगर अच्छे से उन्होंने खुद से मेहनत करी होगी, साथ साथ मेरे सेशन को प्रैक्टिस करा होगा, तो वहाँ पर उनके आराम से वहाँ पर इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मैंने देखी टेलीग्राम पर एक पोल करवाया था, पोल भी दिखाता हूँ, माइनिंग के अप्रॉक्स करेक्ट अटैम्प्ट मैंने स्टूडेंट से पोल कराया। इस पोल के अंदर आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 952 स्टूडेंट ने पोल को देखा, जिसमें और भी ब्रांचेस के काफ़ी स्टूडेंट थे, लेकिन जो है माइनिंग वाले 121 स्टूडेंट ने यहाँ पे वोट किया। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो माइनिंग में 30 से 40 क्वेश्चन जो सही कर रहे हैं वो 9% है, 40 से 50 जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो 11%, 50 से 60 क्वेश्चन जो सही कर रहे हैं 20%, और सबसे ज़्यादा माइनिंग स्टूडेंट जो है 29% जो कि 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 15% ऐसे भी हैं जो मतलब 80 क्वेश्चन तक भी सही कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 90 क्वेश्चन तक भी यहाँ पे सही करते नजर आ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, लोगों को लगता है कि उन्होंने अच्छा पेपर किया है, लेकिन फाइनल जब 1/3 निगेटिव होगी तो वहाँ पर जो क्वेश्चन जो 70 वो सोचते हैं तो 10-15 मार्क्स नीचे गिर के उनके 55 यहाँ पर रह जाते हैं, या कुछ स्टूडेंट के जो है 5-6 मार्क्स नीचे गिर जाते हैं, या कुछ स्टूडेंट के 1-2 मार्क्स ऊपर भी चले जाते हैं, या कुछ स्टूडेंट के मार्क्स में बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। 80 में हो सकता है उसके 30 गलत हो जाए तो आप समझिए 40 के आसपास से भी कम नंबर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है इसको हम एनालिसिस नहीं मान सकते, लेकिन एक एक्यूरेट पता लगता है कि 60 से 70 अगर बंदे सही कर रहे हैं, कह सकते हैं एस्पायरेंट सही कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अगर मैं 10% भी निगेटिव मानूंगा तो 65 मान सकता हूँ। इस तरीके से 80 भी कर रहे हैं तो यहाँ पे 75 से 70 के बीच मानी जा सकती है, इस हिसाब से यहाँ पर है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब देखते हैं हम यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती है माइनिंग की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ को मैंने पूरा बनाया है, तो यहाँ PDF में जब मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ आप लोग देखेंगे कट ऑफ के अंदर जो जनरल की कट ऑफ है वो 65 से 70 जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन माइनिंग के अंदर ले जा सकता है, क्योंकि माइनिंग के अंदर जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस से कम कम्पटिशन्स रहता है। और यहाँ पर जो है आप मान सकते हैं 65 से 70 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे होंगे उसका फाइनल सिलेक्शन होने का यहाँ पर फुल चांस यहाँ पर रहता है। हो सकता है 2-3 मार्क्स ऊपर या 2-3 नाम नीचे भी आपको देखने को मिल सके, हो सकता है 70 की जगह 72 या 71 नंबर वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर बुलाया जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज़्यादा कट ऑफ माइनिंग की नहीं जाएगी। 65 से 70 के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसका जनरल सिलेक्शन हो जाएगा, 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं उसको OBC में, और SC में 60 से 65 और ST में 55 से 65 और PWD में 50 से 60 जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं उसका यहाँ पे फाइनल इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होने का फुल चांस यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पर एक कट ऑफ तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली।
और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी पीडीएफ में आप दे दूंगा ताकि इस कट ऑफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को भी हमारे यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि अब आपका पेपर तो हो गया, अब आप लोग आगे क्या करना है। तो देखिए आगे अब आप लोग को माइनिंग वालों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स चाहिए होगी जिसकी मैं वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी मैं टेलीग्राम मतलब चैनल पर अपने यूट्यूब पर वहाँ पर जो है जो आपकी वीडियो बना चुका हूँ आप लोग देख सकते हैं। जो है आपकी एक एक जनरल वीडियो है जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बाकी अलग ब्रांच से स्पेसिफिक जो भी होगा वो भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि इंटरव्यू में आपका अच्छा हो। बाकी आप लोग समझिए आपका रिजल्ट भी है 15 से 20 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, आपकी उसकी टेंशन ना लीजिए। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक एक चीज़ अपडेट मिल जाएगी, कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगी, कोई भी चीज़ आपसे दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल सिलेक्शन भी लेकर जरूर जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और मेहनत का परिणाम उन्हें जरूर मिलेगा। उनकी सारी मेहनत खुद की मेहनत है, सब कुछ उनका खुद है, तो यही मैं कहूँगा कि उनको जरूर जॉब मिलेगी। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अपडेट पसंद आई। अपडेट पसंद आई तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।